और मैं यहाँ पे रिव्यूअर तो बैठा नहीं हूँ कार का, मैं तो अपना ब्लॉग बना रहा हूँ और गाड़ी लिए तो वो दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज मेरा सेंट्रो के साथ ये लास्ट दिन है तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छा साथ रहा मुझे इस गाड़ी के साथ, क्योंकि मैंने इसी में ही कार चलानी सीखी थी अपनी कार, और मैंने इसके साथ एक्सीडेंट भी किया था। रेडी में मैंने मारा था इस कार को ले आके, आगे की साइड जो है मिरर के वहाँ पे थोड़ा सा डेंट भी आया था, फिर ट्री भी गिर गया था। चलो लास्ट बार इसको बाय बोल देते हैं, हमारी होंडा की पुरानी कार। कुछ पुराना जाता है तो ही तो कुछ नया आता है ना, तो हैप्पीली बाय बोलते हैं कार को। अंजे, और कैसे हो आप? ये नई 2020 क्रेटा। अब यार मुझसे ऐसे नहीं हो रहा है सूट में, रुक एक मिनट। अंजे, ये नई 2020 क्रेटा, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अनबॉक्सिंग क्या मतलब कि जो भी रैपर्स वगैरह लगे हुए हैं वो सारे हटाएंगे, और ये मेरा दोस्त, मेरा प्रिय मित्र शरण, इसमें ये मेरी हेल्प करेगा सारे रैपर्स हटाने में। पहले थोड़ी हिस्ट्री बताया था, क्यों क्रेटा ली 2020। देखो भाई, क्रेटा क्यों ली, सीधी बात है, ऐसा कुछ वैसे कुछ था नहीं, बस मोहब्बत थी इसलिए ले ली। पहली मोहब्बत थी हैरियर, वो थोड़ी बजट से बाहर थी इसलिए वो ले नहीं पाए, तो दूसरी मोहब्बत को ले लिया। अच्छा, मेरे पास पहले सेंट्रो थी, वो बहुत अच्छी चल रही थी गाड़ी, पर यह है कि गवर्नमेंट के लॉ वगैरह के हिसाब से 15 साल ही खाली आप पेट्रोल गाड़ी को चला सकते हो, 3 साल गाड़ी के रह गए थे। तो हमने सोचा कि अब वक्त है कुछ नया लेने का, क्रेटा ले ली। वैसे इस पर 7 महीने की वेटिंग चल रही है, बट मुझे तो 2 हफ्ते में मिल गई। और पूजा हमने करा ली गाड़ी की, यार बिना पूजा करे ना, मतलब हम इंडियन ऐसे हैं कि अगर हम पूजा ना कराए ना तो मतलब एक अंदर से ना फीलिंग नहीं आती है, एक अच्छी वाली गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, तो पूजा करा ली है। अब आगे हम करते हैं अनबॉक्स गाड़ी को, चलो। देखो भाई, मैं इंटीरियर की क्या बात करूं, मैं तो सेंट्रो से स्विच किया है क्रेटा पे, तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा मेजर चेंज है इंटीरियर को लेके। ये देखो, इतनी बड़ी टच स्क्रीन हो गई और ये 6 गियर का हो गया, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये मुझे आज पता चला। जो है सब कुछ आपके सामने है, इसमें भी कुछ कुछ रख सकते हैं हम सामान, और बस और क्या है। ये लाइट्स का हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। हाँ जी, कैसा लग रहा है सेंट्रो के बाद अभी चला गया भी है? भाई सेंट्रो के बाद तो बिल्कुल ही ना, मतलब दुनिया ही चेंज हो जाती है अगर आप फिर ये चला रहे हो तो। सही बताओ तो बस ये शुरू में लगी थी थोड़ी बड़ी कार है, पर अब तो कुछ ऐसा है नहीं, बहुत मजा आ रहा है चलाने में, कार बहुत स्मूथ है। और मैं यहाँ पे रिव्यूअर तो बैठा नहीं हूँ कार का, मैं तो मतलब अपना ब्लॉग बना रहा हूँ और गाड़ी लिए तो वो दिखा रहा हूँ, और क्या। बस ये है कि हाँ, कार स्मूथ है काफी, सही है, मजा आ रहा है चलाने में। अब हमारे सर गाड़ी चलाने जा रहे हैं, सर बेल्ट लगा लो, नहीं तो एक गाड़ी जो है पी 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 करती रहेगी 24 घंटे। सही बात है भाई, सही बात है। सर ने बेल्ट लगा लिए। अरे सर, आप बताना कि आपको कैसा लगा चला के कार ये। हमारे जो सर है ये तो पोलो चला चुके हैं और काफी अच्छी अच्छी कार चला चुके हैं, तो देखते हैं इनको कैसा लगता है क्रेटा चला के 2020। चलो लेट्स गो स्टार्ट। सर आप जरा बताइए कि आपको पोलो के पास स्विच करके क्रेटा पे कैसा लग रहा है चलाने में? बाकी यार मतलब स्मूथ बहुत है गाड़ी यार, ये यार होंडाई कंपनी फिर भी है यार, बेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि एसयूवी टाइप चला रहा है कुछ? हाँ यार, पूरी बिल्कुल फील आ रही है, ऐसा लग रहा है फॉर्च्यूनर चला रहा है यार। अच्छा ही।
और अब तेरे जो दिमाग में मिथ था कि एसयूवी है, बोनट हैवी है, चलाना मुश्किल होगा, ऐसा कुछ लग रहा है? ना बिल्कुल फ्री माइंड चला रहा हूं। और भाई मेरे प्रिय मित्र, अब मैं तुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देता हूँ, रुक तेरे एक अच्छा सा गिफ्ट देता हूँ मैं। ये ले सीजर, ये लो और शुरू कर दे काटने इसको। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे, अबे हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा रिबन हट रहा है बस गली। सो नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे, वेरी नाइस। 1 2 3 क्लैपिंग तो करी नहीं किसी ने। क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई ये भी खत्म हो गया, अब अंदर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, अंदर हमारे लिए क्या क्या काटने के लिए रखा गया है। चलो, वेरी गुड। और ये चॉकलेट का डब्बा रह गया, ये भी खोल। ये मेरा प्रिय मित्र काटेगा, ये लीजिए प्रिय मित्र। लगता है ये पेचीदा हो गया इसके लिए। क्या है भाई ऐसा गिफ्ट के अंदर यार ये? 5 minutes later मतलब कि हद कर दिया हुंडई ने। इतने अच्छे बॉक्स में क्या मिली है? ये चार कैंडीज, मतलब कि हद है, लाखों रुपए की चीज लेके ये मिलता है। आपको भी ये कैंडीज चाहिए तो लाखों रुपए की चीज लो। और हम स्वच्छ भारत अभियान के काफी ज्यादा, क्या बोलते हो उसे हिंदी में, हम स्वच्छ भारत को काफी ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए जो हमने कूड़ा फैलाया इसको लो। और स्वच्छ भारत अभियान, we'll be right back.